सभी घर वाले आपस में विचार विमर्श करके ऐसे दो सदस्यों को चुनेंगे जिन्हें आप दोषी मानते हैं। आसिम बेफालतू में अग्रेसिव होते हैं। जब मैं उनसे बात नहीं भी करती हूँ तो वो बीच में आकर बात करते हैं। वो फालतू में मुद्दा बनाते हैं चीज को। कल के टास्क में भी पता नहीं अचानक से क्या हुआ उसे, जिसकी वजह से हमारी टीम को पीछे बैक करना पड़ा तो और हम टास्क हार गए। मेरे लिए पारस जो भी नॉमिनेशन के टाइम पे हुआ, जितना भी पारस ने बोला मेरे लिए वो ओवरडोज हो गया था। शला जी के और आसिम के बीच में हुई बात, लेकिन बाद में कैसी यूजलेस बातें बीच में आई जो मुझे लगी वो नहीं बोलनी चाहिए, और बीच में मेरा नाम भी यूज हुआ परफ्यूम वाली बात पे जो कि वैलिड मुझे नहीं लगा। और भी ये 24 घंटे ये जो मेरा मजाक उड़ाते रहते मुझे नहीं अच्छा लगता, बिकॉज अगर इन्होंने उस वक्त दिल से सॉरी बोल दिया था उसके बाद इनको ये चीज कंटिन्यू नहीं करनी। इस बंदा जो एक ना घटिया आदमी है मेरे लिए और ये पर्सनल जाता है क्योंकि इसके गेम को लेके कुछ है नहीं मेरे को बोलने के लिए। आसिम और पारस का उसमें जो बातें हुई वो खत्म हो सकती थी, उस चीज को हद से ज्यादा खींचा गया। क्या सिद्धार्थ का फैसला उन्हीं पर पड़ जाएगा उल्टा?